नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाखा और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ विशाखास किचन में। कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है और अगर आपके पास घर में रोटियाँ बची हैं तो बची हुई चपाती से हम टेस्टी स्नैक बना सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच तेल में बनाएंगे। जो चीज़ें घर में मौजूद हैं उसी का यूज़ करके हम स्नैक बनाएंगे। तो बिना वेट किए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 बॉयल आलू लिए हैं, छोटे आलू हैं, चाहे तो आप मध्यम आकार के 2 आलू ले सकते हैं। यहाँ पर बची हुई कुछ 4-5 चपाती हैं, तो इन आलू का हमें मैश करके लेना है अच्छे से। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 2-3 बड़े चम्मच इतना। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो इसे आप मत डालिएगा। मेरे पास कुछ स्वीट कॉर्न्स है, उसे मैंने बॉईल करके लिया है, वो भी डाल रही हूँ मैं इसमें। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, अगर तीखा पसंद है तो और डाल सकते हैं। और कुछ बारीक कटे हुए ताज़े धनिया के पत्ते भी डालेंगे। 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसमें हम चीज़ डालेंगे। चीज़ किसे नहीं पसंद है तो आप जितना चाहिए उतना चीज़ डाल सकते हैं इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को। तो स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनाए गाइस। अब चपाती लेते हैं, तो उसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जैसे हम फोल्ड करते हैं चपाती को, उसी तरह से हमें फोल्ड करना है। तो आपको दिख रहा है इसमें 2 पॉकेट्स बने हैं, तो इसके अंदर ना हम स्टफिंग भरेंगे, अंदर तक स्टफिंग भरेंगे। थोड़ा प्रेस करेंगे जिससे ये अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाए। इसी तरह से हम दूसरे साइड में स्टफिंग भर लेते हैं। तो आपने देखा कितना आसान है। तो इसी तरह से मैं बची हुई रोटी में स्टफिंग भर लेती हूँ। तो चलिए इन्हें हम तवे पे सेकेंगे। तो चूल्हे पर मैंने तवा गर्म करने के लिए रखा है, इसमें बस हम 1 छोटा चम्मच इतना ही तेल डालेंगे। चाहे तो आप बटर डाल सकते हैं। अब एक एक करके चपाती को हम टोस्ट करने के लिए रखेंगे। चूल्हे को हमें धीमी आंच पर ही रखना है जिससे ये बाहर से क्रिस्पी होगा। थोड़ी देर के बाद अब इसे हम पलट लेते हैं और दूसरी साइड को भी अच्छे से करारे होने तक सेकेंगे। देखिए चपाती सैंडविच तैयार है, तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब थोड़ा ट्विस्ट देंगे, जहाँ पर मसाला दिख रहा है ना गाइस, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा टोमेटो केचप लगाएंगे। देखिए इस तरह से सॉस लगाने के बाद इसे सेव से अच्छे से कोट करेंगे, इसे बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। देखिए कितना इजी है और ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, तो ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो जब भूख लगे और कुछ खाने का मन करे तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए घर का खाइएगा और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।